नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। पटना साहिब लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। इस सीट पर इस बार भी भाजपा ने पिछली बार के विजेता और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। उनके सामने महागठबंधन के प्रत्याशी हैं भारत के उप प्रधानमंत्री रहे जगजीवन राम के नाती और मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत। दोनों ही प्रत्याशी हाई प्रोफाइल हैं। रविशंकर दिग्गज वकील हैं तो अंशुल कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट हैं। इस सीट से तीनों बार जीत भाजपा को मिली है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल के सामने कड़ी चुनौती है। महागठबंधन ने भी रणनीति बदली है, इसलिए शायद यहां पीएम मोदी रोड शो कर चुके हैं और उन्होंने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। अंशुल अभिजीत के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रचार किया था। इसके अलावा दोनों नेताओं ने खूब जनसंपर्क अभियान चलाया है और जनता को अपने पाले में करने की कोशिश की है। पटना कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। आज़ादी के बाद 1967 के चुनाव में ही कांग्रेस का ये गढ़ CPI ने ढहा दिया। उसके बाद बस एक बार 1984 में CP ठाकुर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत पाए। पटना सीट से कांग्रेस और CPI के अलावा जनता पार्टी, भाजपा जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोकसभा पहुंचे। 2009 में परिसीमन के बाद पटना लोकसभा से पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीट निकली। तब से दोनों पर NDA का कब्जा है। पटना साहिब की सीट लगातार दो बार शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा के लिए जीता। तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर लड़े शत्रुघ्न सिन्हा को हरा कर रविशंकर प्रसाद ने भाजपा का कब्जा कायम रखा। कायस्थ बहुल पटना साहिब ऐसी इकलौती लोकसभा सीट है जहां कायस्थ कैंडिडेट को प्रमुख उपाधियों से मौका और विजय मिला है। कायस्थ के अलावा यादव, कुशवाहा और मुस्लिम पटना साहिब के निर्णायक वोटर हैं। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस सीट पर लगातार कायस्थ कैंडिडेट दे रही है, जिसकी वजह से उसने वफादार वोटर का एक बड़ा हिस्सा खड़ा कर लिया है। अगर रविशंकर प्रसाद फिर से जीतते हैं तो कास्ट वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।